99% लोग नहीं समझ पाए मेवात की सच्चाई, क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, कौन रच रहा साजिश। पहले राजस्थान में नुपुर शर्मा का नाम, अब हरियाणा में छाया मोनू मानेसर, क्या दो नाम के पीछे छिपी है 545 सीटों का गणित। बीजेपी मेवात में मेवा ढूंढ रही है, जनता अपना धर्म, पर क्या आप जानते हैं मेवात जैसी घटना ने अपना भावी पीएम तलाश लिया है। मेवात में धर्म की नहीं सियासत की वर्चस्व की लड़ाई है, क्या बीजेपी मेवात के जरिए मुल्क को कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। मेवात में क्या हो रहा है ये तो आपको सबने दिखाया, पर क्यों हो रहा है ये कहानी कोई नहीं समझा पाया। अगर आप मेवात के जरिए हिंदुस्तान में क्या होने वाला है समझना चाहते हैं तो अगले 3 मिनट ध्यान से सुनिए, फोन की आवाज तेज कर लीजिए। हरियाणा का जिला है मेवात, जिसे नू भी कहते हैं। यह शहर हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। मेवात में कुल गांव करीब 500 हैं, 400 गांव मुस्लिम बाहुल हैं, 103 गांव में हिंदुओं की आबादी है, यानी 80% टोपी वाले और 20% टीका वाले। 103 गांव में 84 गांव ऐसे हैं जहां हिंदू परिवारों की आबादी 10% से कम है। यहीं लड़ाई की नींव पड़ती है, कहानी का पेच इस आंकड़े में फंसा है। मेवाती करीब 700 साल पहले सनातनी थे, जिसमें राजपूत, जाट, गुर्जर और अहिर जातियां थीं। मेवाती बहादुर होते थे, पर मुस्लिम शासकों से हार के बाद सनातन छोड़ इस्लाम में तब्दील हो गए। जो परिवार टीका लगाने वाले बचे हैं वो वही बहादुर परिवारों की पीढ़ी हैं जिन्होंने कभी धर्म नहीं बदला। मेवात को समझने के लिए योगी का एक पुराना इंटरव्यू सुनना चाहिए। योगी ने करीब 7 साल पहले समझाया था, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां क्या हालात हैं, योगी से समझिए। देखिए, देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35-40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं, और जहां 35-40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। 2011 की जनगणना के हिसाब से मेवात की आबादी करीब 10 लाख थी, आज 8 लाख से ज्यादा एक धर्म के लोग रहते हैं, जिसके कारण सरकार सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। अब मेवात में असल में क्या हो रहा है वो समझिए थोड़ा ध्यान से। एक रिसर्च दावा करती है कि मेवात जो मुस्लिम कंट्री में कमाने बाहर गए उनका एक बड़ा हाथ है। रिपोर्ट दावा करती है कि एक समुदाय के लोगों ने फंड जमा करके मस्जिद और मदरसों पर खूब काम किया, मदरसे का प्रभाव स्कूल से ज्यादा है। उसी बीच तबलीगी जमात की एंट्री होती है जो सुनियोजित तरीके से एक धर्म को गुमराह करके अपने पाले में लाने की प्रयोगशाला चलाते हैं। मेवाती मुस्लिम फिलहाल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ये पहले बुर्का नहीं पहनते थे, शरीयत के कई नियम कायदे नहीं मानते थे, पर सऊदी और मुस्लिम कंट्री के फंड ने सब कुछ बदल दिया। अब मेवात में जो हो रहा है उसका कंट्रोल भारत से बाहर है। अब ये समझना होगा कि बीजेपी मेवात की सच्चाई पूरे देश को क्यों दिखाना चाहती है। कहते हैं कि बीजेपी उन सभी की आंखों से पर्दा हटाना चाहती है जो कहते हैं कि भारत सेक्युलर कंट्री है, यानी जहां पर हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं। पर सच्चाई ये है कि भारत में शांति तो है, पर अगर कहीं पर एक खास समुदाय के लोग ज्यादा हैं तो वहां शांति है। सच्चाई समझ में आई है तो रिपोर्ट आगे बढ़ाएं, नहीं तो आंखों पर पर्दा डालकर कह सकते हैं मेरा क्या, जो होगा देखा जाए, क्योंकि हालात को नहीं समझा गया तो फिर तस्वीर ऐसी सिर्फ मेवात की नहीं बल्कि आपके शहर की भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।